दिल्ली डेयर डेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस आईपीएल सीजन का 55वां मुकाबला फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला गया। मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक अहम मैच था, लेकिन दिल्ली की तरफ से शानदार बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत ने मुंबई के अरमानों पर पानी फेर दिया और दिल्ली यह मुकाबला जीत गई। इस आईपीएल सीजन में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत इस मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पंत एक गेंद पर चूक गए और बॉल उनके पैड से जाकर टकराई। इस पर LBW के लिए जोरदार अपील हुई। अंपायर ने भी पंत को आउट करार दे दिया, लेकिन पंत इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अंपायर के निर्णय को चुनौती देते हुए रिव्यू ले लिया। रिव्यू में दिखाई दिया कि बॉल लाइन के बाहर पिच हुई, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का निर्णय पलटते हुए पंत को नॉट आउट करार दिया। दौरान जब थर्ड अंपायर रिव्यू देख रहे थे, उस समय मैदान पर खड़े ऋषभ पंत से मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या से बाहर जाने के लिए कहा। इस पर ऋषभ पंत ने भी हार्दिक पांड्या को कुछ कहा। दोनों के बीच हुई यह बहस कई बार हाईलाइट की गई। स्पोर्ट डेस्क, ABN समाचार।